हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? सुबह के करीब 5:15 बजे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट कई लोगों में बताया था कि हमारे गांव में इंटरनेट की थोड़ी समस्या है, तो मुझे आज 2 वीडियो अपलोड करनी थी। एक तो कल मैंने व्लॉग शूट किया था वो, और एक पंजाब बॉर्डर की वीडियो है, तो उन्हीं दोनों वीडियो को अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, दूसरी वीडियो अपलोड जो है हो रही है, और अभी मुझे कुछ अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई दे रही है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, यहाँ से आवाज़ निकल रही है, तो ये शायद झिंगुर की आवाज़ है। ताकि आप बताइए ये कौन से जानवर की आवाज़ हो सकती है। हेलो गाइस, कैसे हो सभी? और मैं हूँ जतिन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हम नोरे में हैं, आपको दिखा देता हूँ। हमारे नाना जी पटिया को ठोकने लगे हैं, ये देखिए। हेलो गाइस, हम घर आ चुके हैं और ये हमारा सोम रहा, देखिए। देखो ये सोम है, सोम बाय कर दे, बाय 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 कर दे, बाय। बाय करियो सोम, बाय बाय कर, बाय 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 करियो, बाय। अभी एक लोचा हो गया है। आज दोनों वीडियो मैंने सुबह अपलोड किए थे दोनों चैनल पे, और दोनों चैनल पे मैंने एक ही टाइम का टाइमर लगा दिया, सुबह 8 बजे का। मुझे व्लॉग वाले चैनल पे 9 बजे का टाइमर लगाना था, लेकिन उसको मैं भूल गया, और दोनों वीडियो जो हैं दोनों चैनल पर आज एक साथ 8 बजे पब्लिक हुई। ऐसा आज पहली बार हुआ है कि मैंने अपने दोनों चैनल पर एक ही टाइम में 2 वीडियो अपलोड किए हैं। शाम के 4 बजने वाले हैं, और आज सुबह से मेरे पेट में दर्द था, गैस बन रही थी, और सर मैंने खाना भी नहीं खाया। मम्मी ने कुछ थोड़े से पोहे बना दिए और हलवा बना दिया, तो उसी को खा के शाम तक रह रहा हूँ। अभी भूख भी नहीं लगी है। घर से नौरे की तरफ अब जा रहा हूँ, मतलब शाम के 4 बजे। सुबह से नौरे पर थोड़ी देर गया था बस, तो चल के देखते हैं क्या चल रहा है। मौसम भी अभी ऐसा ही हो चुका है, अब लगता है बरसात होने वाली है। हमारे बैंगन के पेड़ हैं, जो ये 2 पेड़ अभी सूख गए हैं, ये देखिए। बैंगन को आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बैंगन को कैसा हो चुका है, देखिए। मिट्टी आ रही है थोड़ी सी ना, आओ अब तो साफ पानी। देखिए, हमने यहाँ पे एलोवेरा के 3 पौधे लगा रखे हैं, इनमें ऐसे रोज पानी दे देते हैं, लेकिन आज तक काम नहीं लिए चेहरे पे लगाने के। वैसे दवाई के रूप में दे काम लिए, कई लोग जो है चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए भी इनका यूज करते हैं, लेकिन हमने आज तक इसका कुछ किया नहीं। तो कैन थोड़ी खल गई थी ना, अभी इसको फुल भर देते हैं। वो हमने एलोवेरा में पानी दे दिया, और यहाँ पे हमने कुछ बाजरी बो रखी थी, तो अभी पानी जो इसमें चला दिया है। यहाँ पे कुछ बेल लगा दी। अरे पिलर हो रहा है बहुत ज़्यादा आज, ये घिया और कोयला वगैरह की बेलें। और यहाँ पे एक नीम का पौधा बड़ी मुश्किल से पाल रखा है, एक बार इसको भैंस खा गई थी, दोबारा से बड़ा हुआ है। एक पुदीना है, ये अपने आप हो गया भैया ऑटोमेटिक। एक नीम का पेड़ हमने यहाँ भी पाल रखा है, इसको भी एक बार भैंस खा गई थी, लेकिन इसको फिर से हमने थोड़ा सुरक्षित किया है, तब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। न्यूज़ के माध्यम से अपडेट मिल रही थी 16 और 17 तारीख को महाराष्ट्र और गुजरात में तो आंधी तूफान चल ही रहा है, लेकिन राजस्थान में भी आने की संभावना थी। आज हो गई 17 तारीख और करीब 4:26, मतलब 4:30 बज गए हैं। अभी तक तो मौसम एकदम सही है, और रात को अगर मौसम ख़राब हो जाए तो पता नहीं है, उसकी वजह से ना मैं भी थोड़ी देर पहले इस टीन को पचड़ा, तो यहाँ पे एक मैंने बुलेट कसा था, यहाँ पे खोल लिया था हमने। इधर हमारी टीन डली हुई थी दोनों आर पार तक, लेकिन यहाँ पर जो टीन से डली थी ना, तो वो पिछली बार आंधी आई थी उसमें उड़ गई थी, तो यहाँ पर हमने फटाव करवा दिया, पक्का हो गया। इधर अभी टीन डली हुई है, तो इसको मैंने कर दिया, सेट कर दिया है। आशा करूँगा शायद अभी ये ना उड़ पाए।
करीब 1.5 महीने पहले हमारी जो भैंस की पड़िया थी ना उसका स्वर्गवास होगा भाई। तो उसका रीजन ये था, भैंस और पड़िया हम एक जगह ही बांधते थे दोनों को। काय को तो कर ले बंद, भर जा। तो कह रहा मम आ जाओ भर रही है। मैं कह भर ले भैया भर रही है। तो भैंस और पड़िया ना एक जगह बनती थी, वहाँ पे जो छप्पर है वहीं पे बंधी हुई थी दोनों। तो भैंस ने पड़िया की जो बेल थी वो अपने सींगों पर रख ली, उसको ऐसे ऊपर उठा दिया। हम यहाँ पे कोई था नहीं, मैं मम्मी पिताजी जतिन भी था उसी समय यहाँ पे, तो जतिन भी घर पे था उस समय। तो उसने पड़िया को उठा दिया और का गला घोट के मर गई। अब उसमें गलती भी नहीं थी किसी की, अब ये तो जानवर है इनको क्या पता कैसे क्या होता है। तो उसके बाद इसका दूध निकालने में कई दिन तक परेशानी होती है, इंजेक्शन लगा के दूध निकाला था, तो अभी तो मतलब नॉर्मली दे देती है दूध। जतन ने यहाँ पे पानी भर दिया है, बस बस ज़्यादा फिर फैला हो पानी। हम इस ताज़ा ताज़ा दूध की मम्मी ने यहाँ पे चाय बना दी है। चाय को मैंने ले लिया कटोरी में। एक बार मैं कहीं मंदिर पे गया था तो वहाँ पे मैंने देखा जो संत महात्मा लोग हैं ना वो कुछ खाने पीने के लिए इस तरह के मतलब कटोरी का यूज़ करते हैं, और जो गृहस्थी लोग हैं वो चाय दूध वगैरह ऐसी चीज़ पीने के लिए गिलास का यूज़ करते हैं। तो आज मुझे वही बात याद आ गई। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने भी कहीं ऐसा देखा है कहीं मंदिर में या फिर कहीं संत महात्माओं के पास अगर आप बैठे हों तो वहाँ पर आपने भी ऐसा देखा है कि जो संत महात्मा है वो कटोरी का उपयोग करते हैं खाने पीने के लिए, और जो गृहस्थी लोग हैं वो जो है गिलास वगैरह का यूज़ करते हैं। ये पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, दो मुंडी एक साथ लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है? उधर बैठी है मम्मी और चाची, तो उनके लिए मुंडी लेके जा रहा है ये। चलिए हम अपनी महात्मा वाली चाय को ख़त्म कर लेते हैं। अनु तुम्हारे लिए कल कमेंट आ रहे थे, कहाँ से आई है? मीना उनके घर से। तिलक कौन लगा हुआ आज? मैंने। रवि कहाँ है? रवि मीनू उनके घर पे। हेलो आया तो तेने बोली ना कुछ लोग आए ऐसे नहीं ऐसे करके जोर से हेलो गाइस। ओहो हो हे गाइस, अभी शाम के 7 बज चुके हैं और फिलहाल अभी हम नौरे में हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर कोई नहीं है, नानी घर गई है, मैं हूँ अकेला। सुबह से मेरे पेट में दर्द होने की वजह से मैंने रोटी नहीं खाई थी, तो अभी तबीयत से रोटी खाएंगे, थोड़ा सा आराम मिला है। तो करीब 3-4 दिन से कस्टमर जाना नहीं हो रहा है, गाँव में सब्ज़ी मिलती नहीं है तो सब्ज़ी नहीं आ रही थी। सब्ज़ी थी नहीं घर पर तो मम्मी ने सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, देखो इस तरह की सब्जी है। कमेंट करके बताइएगा सब्जी आपको कैसी लग रही है, वीडियो ब्लर हो रही है बार बार पता नहीं क्यों। तो ये देखिए इस तरह की नमकीन की सब्जी बनाई है आज हमने। अधिकतर लोगों को गैस की रोटी खाने से शिकायत हो जाती है, लेकिन मेरा भैया उल्टा ही सिस्टम है। जब मैं चूल्हे की रोटी खाता हूँ तो शिकायत उत्पन्न हो जाए के चांसेस रहते हैं, और जब गैस की रोटी खाता हूँ ना तो मैं एकदम परफेक्ट रहता हूँ। तो मम्मी ने आज गैस पर रोटी बनाई, वैसे हमारा चूल्हा है एकदम मिट्टी का है देसी। जतन जो है रोटी परोस के यहाँ बैठ गया है, चलिए हम भी रोटी परोस लेते हैं भैया हमारे लिए। सुबह से रोटी जो खाई नहीं है ना, भूख लगी है ज़बरदस्त। भाई साहब सोने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और मेरे पेट पर आप देखिए ये बरगद के कुछ पत्ते रखे हैं। जतन दिखाएगा दूर से। तो इस तरह से पत्ते रखे हैं पेट की तकलीफ को मिटाने के लिए। इनमें नीचे ना मक्खन लगाया है। एक मिनट भाई, फिर नहीं जा पता। एक बार बांधना पड़ेगा कपड़ा। ताई ने और मम्मी ने काफी मेहनत के बाद मेरा पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है। लास्ट टाइम जब मैं और अविन भाई केदारनाथ गए थे ना, तो वहाँ पर हमने काफ़ी ऊँची चढ़ाई की थी, मतलब 16 किलोमीटर की चढ़ाई की थी, चढ़ना और उतरना। उसकी वजह से पेट में दो नर होते हैं दोनों साइड में से, तो एक साइड का जो नर है ना राइट साइड का, तो वो हो गया था मेरा बहुत ज़्यादा टाइट, उसकी वजह से आ रही थी दिक्कत। मुझे लग रहा था सुबह से कि शायद गैस
बन रहे पेट में, लेकिन जब मैंने वैद को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपके नर जो हैं वो एकदम टाइट हो गए हैं, सूजन आ रही है पेट में, तो आप ऐसा करिए बरगद के पत्ते लाइए या फिर कोई धतूरे के पत्ते लेके आइए। तो मुझे लगा कि बरगद के पत्ते सही हैं, शाम को मैं गया पत्ते लेके आया और अभी जो है बांध दिए। आशा करता हूँ सुबह तक शायद मेरा पेट जो है नरम हो जाएगा। बाकी मैं आपको कल कैसा रहेगा पेट कल अपडेट दूंगा इसके बारे में। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।